प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के लिए खुली किताब है, लेकिन उनकी किताब में मौजूद हर अध्याय में मां हीराबा की छाप है। बहुत कम लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी के चौंकाने वाले और कड़े फैसलों के पीछे उनकी मां से मिली प्रेरणा होती है। मोदी अगर वंशवाद पर प्रहार करते हैं, वो अगर भ्रष्टाचार को खत्म करने निकलते हैं, तो इसके पीछे बचपन में मां से मिली सीख है। चाहे गुर्बत वाला अतीत हो या फिर वर्तमान, हीराबा सदैव एक जैसी रही। चाय बेचने से नरेंद्र मोदी का सफर शुरू हुआ और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया बने। जिंदगी के इस सफर में मोदी अपनी हर कामयाबी को मां के साथ साझा करते दिखे। बहुत कम लोगों को पता है कि जब मोदी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो उससे पहले मां ने एक शपथ दिलाई थी। मुझे याद है, जब मेरा मुख्यमंत्री बनना तय हुआ तो मैं गुजरात में नहीं था। एयरपोर्ट से मैं सीधे मां से मिलने गया। खुशी से भरी हुई मां का पहला सवाल यही था कि क्या तुम अब यही रहा करोगे। मां मेरा उत्तर जानती थी, फिर मुझसे बोली, मुझे सरकार में तुम्हारा काम तो समझ नहीं आता, लेकिन मैं बस यही चाहती हूं कि तुम कभी रिश्वत नहीं लेना। जिंदगी में संघर्षों को सफलता की सीढ़ी बना लेना, यही शिक्षा हीराबा ने बचपन से मोदी को दी थी। यकीन मानिए, नरेंद्र मोदी की सोच जिन उसूलों पर टिकी है, वो उसूलों की नींव से इमारत तक मां हीराबा से मिले संस्कारों पर टिकी है। बेटा मुख्यमंत्री बना, बेटा प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन हीराबा ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। जीते जी अपना सारा काम खुद करती रही। मोदी अपनी मां को याद करते हुए बताते हैं, मां के नाम आज भी कोई संपत्ति नहीं। मैंने उनके शरीर पर कभी सोना नहीं देखा, उन्हें सोने गहने का कोई मोह नहीं है। वो पहले भी सादगी से रहती थी और आज भी वैसे ही अपने छोटे से कमरे में पूरी सादगी से रहती है। ईश्वर पर मां की अगाध आस्था है, लेकिन वो अंधविश्वास से कोसों दूर रहती है। बेटे नरेंद्र को हमेशा हीराबा ने स्वावलंबी बनने की शिक्षा दी। जब से मोदी सरकार का हिस्सा बने, तब से सिर्फ दो मौके ऐसे आए जब वो सार्वजनिक जीवन में उनके साथ दिखे। इसके पीछे क्या वजह थी, नरेंद्र मोदी ने समझाया। आपने भी देखा होगा, मेरी मां कभी किसी सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं जाती है। अब तक दो बार ही ऐसा हुआ है जब वो मेरे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे साथ आई। एक बार मैं जब एकता यात्रा के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर लौटा था, तो अहमदाबाद में हुए नागरिक सम्मान कार्यक्रम में मां ने मंच पर आकर मेरा टीका किया। मां के लिए वो बहुत भावुक पल इसलिए भी था क्योंकि एकता यात्रा के दौरान फगवाड़ा में एक हमला हुआ था, उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे। दूसरी बार वो सार्वजनिक तौर पर मेरे साथ तबाही थे जब मैंने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 20 साल पहले का वो शपथ ग्रहण ही आखिरी समारोह है जब मां सार्वजनिक रूप से मेरे साथ कहीं उपस्थित रही। इसके बाद वो कभी किसी कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं आई। नरेंद्र मोदी पर हीराबा का अटूट विश्वास रहा। पिता के गुजर जाने के बाद नरेंद्र मोदी भी हमेशा मां का ख्याल रखते। भले ही वो भाई के घर पर रहती, मोदी हमेशा संपर्क में रहते। मां ने ही मोदी को सिखाया था कि परिवार और सरकार अलग अलग दुनिया, लिहाजा दोनों के बीच दूरी होनी चाहिए। तभी तो मोदी के कहने पर भी मां कभी सरकारी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनी। मुझे एक और वाकया याद आ रहा है। जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो मेरे मन में इच्छा थी कि अपने सभी शिक्षकों का सार्वजनिक रूप से सम्मान करूं। इसलिए मैंने मां से भी कहा था कि आप भी मंच पर आइएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि देख भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूं, तुम्हारा मेरी कोख से जन्म लेना लिखा हुआ था, तुम्हें मैंने नहीं भगवान ने गढ़ा है। ये कहकर मां उस कार्यक्रम में नहीं आई। मेरे सभी शिक्षक आए थे, लेकिन मां उस कार्यक्रम से दूर ही रही। ये नियति ही है कि कुछ महीने पहले ही हीराबा ने 100 वर्ष में प्रवेश किया था। मोदी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे, तब किसे पता था कि इतनी जल्दी मोदी पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट पड़ेगा, सिर से मां का आंचल छिन जाएगा। मोदी ने अपनी मां हीराबा को इन्हीं शब्दों के साथ आखिरी विदाई दी। मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही जो हमेशा याद रहेगी, कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। मां के साथ प्रधानमंत्री मोदी का रिश्ता बहुत खास था। जब वो बड़े हो रहे थे तो हीराबा घर चलाने के लिए दूसरों के घर बर्तन मांजा करती थी।
आज भी प्रधानमंत्री उन लम्हों को याद करके भावुक हो जाते हैं। हम आपको बताएं कि पीएम मोदी की मां हीराबा जब पहली बार प्रधानमंत्री आवास पहुंची थी तो मोदी ने खुद व्हीलचेयर पर बिठाकर उन्हें पूरा पीएम आवास घुमाया था। भले ही हीराबा प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं रही, लेकिन चाहे जन्मदिन हो या फिर किसी खुशी का कोई मौका, मोदी अक्सर हीराबा से मिलने जाया करते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी मां हीराबा को अपनी शक्ति बताया तो कभी उनकी आंखें गरीबी में संघर्ष को याद कर छलक आई। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है, आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसका उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। व्हील चेयर पर बैठी मां और बागवानी दिखाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर तब की है जब मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने आवास पर उन्हें लेकर आए थे। सफेद साड़ी में हवाई चप्पल पहने पीएम मोदी की मां व्हील चेयर पर बड़े गौर से बेटे की बातें सुन रही थी। ये पहला मौका था जब हीराबा अपने पीएम बेटे से मिलने दिल्ली के 7 रेस कोर्स पर आई थी। जब कोई माँ अपने बेटे के घर आती है तो बेटे का जोश स्वाभाविक है, और जब बेटा देश का पीएम बन जाए तो उत्साह को शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है।